शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर जिलाधिकारी ने गुरुवार को एक परिपत्र जारी किया। शहर में ऑनलाइन और शहर सीमा के बाहर शराब की दुकानों को मंजूरी दी है। शुक्रवार से शुरू हुए शराब बिक्री को शराब प्रेमियों से अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। शहर सीमा के बाहर तो सुबह से ही लोगों की बड़ी कतारें शराब खरीदने के लिए दिखाई दे रही थी। शहर में कुछ इलाकों में शराब की दुकानों के सामने लंबी कतारें दिखाई दी। 2 महिन्याच्या प्रतीक्षा नंतर आज प्रत्यक्ष आम्ही दारूचा आस्वाद घेणार आहोत। हे तुम्ही बघू शकता, माझ्या मागे आणि पुढे लाईन लागली आहे आणि हे समोर दुकानामध्ये लाईन। आज मी लाईन लागून त्याचा आनंद घेण्याचा, आस्वाद घेण्याचा प्रयत्न करतो। धन्यवाद। अच्छा लग रहा, दोनों इतना दारू पीने को नहीं मिला, अभी थोड़ा तसल्ली आ गई कि वह अब दो महीने के बाद दारू पीने को मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा। शासनाच्या आदेशानुसार आम्ही देशी दारूचं दुकान सुरू केलं आहे। त्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क हे अनिवार्य केले आहे शासनाने। त्यानुसार आम्ही प्रत्येक ग्राहकाला सोशल डिस्टन्सिंग ठेवायला सांगितलं आहोत। सोबत त्यांना दाखवासाठी 6 फुटाच्या अंतरावर आम्ही गोलाकार डबे आखलेले आहे। तसेच मास्क, सॅनिटायझर आणि टेम्परेचर स्कॅनिंग पण करत आहोत व शासनाचे पूर्ण नियमांचे पालन करत आहोत। जिला प्रशासन ने जब से दारू की दुकान खुलने का ऐलान किया, तब से लेकर अब तक के ग्रामीण इलाकों में लोगों की कतारें दिखाई दे रही है। कई ऐसे शराबी हैं जो नागपुर से बोतल मिलने के लिए ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं और वहां से दारू का जुगाड़ जमाने की पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।